नमस्कार दोस्तों, makirasoiso.com में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक चाट रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। चाट तो वैसे ही बहुत ही चटपटी होती है, सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी एज हो, कोई भी लोग हों, बहुत ही चाव से पसंद से खाते हैं। तो क्यों ना आपके साथ आलू की टिक्की चाट रेसिपी शेयर की जाए। काफ़ी कॉमन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज ये है कि हम इसकी स्टफिंग करेंगे, और स्टफिंग करेंगे चने की दाल के साथ। तो ये है चने की दाल भरे हुए आलू टिक्की चाट। चलिए देखते हैं इसके फुल इंग्रेडिएंट्स। तो दोस्तों, चने की दाल भरे हुए आलू की टिक्की चाट बनाने के लिए हम यहाँ पर लिए हैं 3 बड़े आलू थे, इसे ऐसे काट के, क्योंकि बड़े आलू थे इसलिए थोड़ा छोटा करके इसे उबाल लिया है और छिलका उतार लिया है। इसे हम कद्दूकस करेंगे। 1 प्याज है, मीडियम साइज़ की प्याज, इसे फाइनली चॉप किया है। सादा नमक है, इसे हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। काला नमक, अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। चाट रेसिपी है तो चाट मसाला तो मस्ट है। भुने हुए जीरे का पाउडर 1/2 टीस्पून, 2-3 हरी मिर्चें, अपने स्वाद के अनुसार आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे तीखी मिर्च हो। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिखने में गार्निश करने के लिए अच्छा रहेगा, कलर अच्छा आएगा। और हम हरी धनिया और पुदीने की चटनी। सूखी हुई चने की दाल 1/2 कप थी, इसे 6 घंटे पहले पानी में भिगो लिया था, अब पानी जो है इसे धोकर पानी इसका ड्रेन आउट कर लिया है। दही ले रहे हैं 1 कप के करीब। ये है खुबानी इमली की चटनी, इसकी वीडियो लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हरी धनिया पुदीने की चटनी की भी रेसिपी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, ये खुबानी इमली की चटनी की जगह आप खजूर इमली की चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, सौंठ की मीठी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। खजूर इमली की चटनी की रेसिपी या सिंपल इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बारीक सेब गार्निश करने के लिए, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी है ये, लगभग 1 टीस्पून। बहुत छोटे छोटे पनीर के टुकड़े काट लिए हम, आप ना हो तो ना डालें, थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाता है इससे। बारीक कटी हुई हरी धनिया 1-2 टेबलस्पून, गार्निश करने के लिए कुछ अनार के दाने हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं हम। इसके बदले आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। और टिक्की को फ्राई करने के लिए, शैलो फ्राई करने के लिए तेल। तो दोस्तों, टिक्की चाट बनाने की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जो चने की दाल है उसे हम उबलने रखेंगे, धीमी आंच पर 15 मिनट के करीब उबालेंगे, खिली खिली सी उबलनी चाहिए। थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से नमक के साथ इसे उबालेंगे हम। थोड़ा पानी डाल दें, ये देखिए पानी इतना बस होना चाहिए कि दाल डूबी रहे। 10-12 मिनट में ये पानी सूख जाएगा। दाल हमें बिल्कुल खिली खिली चाहिए, गली हुई होनी चाहिए मगर टूटे ना। ढक देते हैं और उबाल आने पर आंच धीमी कर देंगे और लगभग 10-12 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। दाल में बॉयल आ चुका है तो हम ढक देते हैं और आंच बिल्कुल धीमी कर देते हैं और इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। दोस्तों, ये देखिए काफ़ी खिली खिली सी हमारी दाल तैयार हो गई है, पानी भी बिल्कुल सूख गया है, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसी ही है। तो अब हम इसे गरम गरम ही थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। हम मैशर ना हो तो ये ग्लास से ऐसे हम मैश कर सकते हैं। इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि थोड़ी सी मिक्स हो जाए। इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने देते हैं, फिर बाकी चीज़ें हम इसमें मिलाएंगे। ये चने की दाल हमारी देखिए ऐसी मैश हुई है, थोड़े थोड़े से इसमें साबुत दाल भी है। तो अब हम इसे इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें मिलाएंगे। ये चने की दाल हमारी ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसमें थोड़ा सा अमचूर मिला देते हैं, चाट मसाला, पनीर, प्याज़,
प्याज ना पसंद हो तो ना डालें। हरी धनिया, हरी मिर्चें और नमक तो हम उबालते समय ही डाले थे, बस इसे सबको मिक्स कर लेना है। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। अब आलूओं को हम कद्दूकस कर लेते हैं। ये सारे आलू हमारे कद्दूकस हो गए, तो अब इस ग्रेट किए हुए आलू में हम डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, चाट मसाला पाउडर, काला नमक, सादा नमक, कॉर्नफ्लोर, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हरी मिर्च और इन सबको मिला लेंगे। तो दोस्तों आलू का ये मिक्सचर तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम तेल गर्म होने के लिए रख लेते हैं और हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर इस आलू के मिक्सचर से एक बड़ी बॉल लेते हैं। बॉल के साइज का पोर्शन लेंगे हाथ में। टिक्की को ऐसे हम फैलाएंगे, इसमें थोड़ा सा चने की दाल का ये मिक्सचर डालेंगे और इसके ऊपर एक दूसरी टिक्की लगा सकते हैं। बीच में डेंट बना के भर भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। किनारे सील कर दें और फिर इसे पैटी का रूप दे देंगे। ये तैयार हो गई। तेल हमारा गर्म हो रहा है तो अब हम इसमें डाल लेते हैं। दोस्तों ये देखिए इसकी जो साइड्स हैं वो ब्राउन होनी शुरू हो गई हैं, तो अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए नीचे की भी लेयर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हमारी टिक्किया तैयार है। गैस बंद कर देते हैं और सारी टिक्किया निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे। ये टिक्की इतनी चटपटी है और इतनी टेस्टी है कि आप ऐसे ही हरी धनिया की चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ, खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पर हम इसकी चाट बनाने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी क्रिस्प आलू की टिक्की बनी है। चलिए इसे चाट की तरह सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम दही तैयार कर लेते हैं। दही में थोड़ी सी चीनी, काला नमक और भुना हुआ जीरा, इसे डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। टिक्किया पर डालते हैं ये दही, एप्रिकॉट और इमली की चटनी, इसकी जगह आप कोई भी मीठी खट्टी मीठी चटनी डाल सकते हैं, थोड़ी सी धनिया पुदीने की चटनी, ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, बारीक कटी हुई प्याज, हरी धनिया और ये बारीक सेव, साथ में अनार के कुछ दाने। चाट में ये अनारदाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों चने की दाल भरी हुई आलू टिक्की चाट बिल्कुल तैयार है। आप भी ट्राई करिए ये रेसिपी और एंजॉय करिए इस स्ट्रीट फूड आइटम को अपने घर पर। बहुत ही साफ सफाई के साथ आप बना सकते हैं इसे अपने घर पर, इजीली बना सकते हैं। चटनियाँ दोनों अगर आप पहले से बना के रख लें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ट्राई करिए और अपने सुझाव और फीडबैक हमें शेयर करिए। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए माँ की रसोई से.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।